गुड इवनिंग। लास्ट क्लास मन अच्छे ना नहीं? किसी रिविजन है जी ना? अच्छे अच्छे। जो मैंने अच्छा नहीं लो वीडियो देखो, हाँ? YouTube पे पेन एजुकेशन सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो। बोलते एक क्लास अच्छे नहीं ले, कुछ परिवर्तन नेक्स्ट क्लास, तो वीडियो मस्त देखो। नेक्स्ट स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्लास को। अच्छा लास्ट क्लास कौन पढ़ा है इसका कोड के खाली ऊपर समझ कर कौन कौन को आई था। तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट पढ़ ला। टाइप ऑफ स्टेटमेंट कौन कौन है टाइप ऑफ स्टेटमेंट। यूनिवर्सल और मल्टीपल। तो टाइप ऑफ कंक्लूजन कौन कौन है? 100% ट्रू, 100% फॉल्स और लेस देन 100% जोड़ा पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखा जो क्वेश्चन करवा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। तो देखो सिलेबसम रो तेरा रूल अछि। फर्स्ट रूल देखो, लास्ट क्लास जो मैंने आसन थी लो वीडियो देखिबो सुनो आज क्लास तापर वीडियो भी देखिबो भल से बुझ पारिबो भल तो पढ़ा उठला कोनो सिलेबस करुचे तो एटा कौन हम फलो
क्वेश्चन स्ट्रक्चर होचे एडा तो एंती ना जे एटी कोन हम गोटे स्टेटमेंट देबी गोटे कंक्लूजन देबी तो एग्जाम रे दीटा कंक्लूजन आसीबो दीटा स्टेटमेंट आसीबो तीनटा आसीबो चारटा आसीबो तो एंती कंक्लूजन भी दीटा तीनटा चारटा जेतरा भी आसीबे तो बैंकिंग लेवल तो टिके अधिक ही आसीबो दी चारटा स्टेटमेंट को चारटा कंक्लूजन के पांचटा कंक्लूजन तो तुम स्टेटमेंट सब जाक देख एनालाइज कर अनुसार कंक्लूजन कौटा फलो करोटा फलो करूनी देख तो देख कंक्लूजन स्टेटमेंट रहा टाइप ऑफ कंक्लूजन कंक्लूजन कैसे टाइप टाइप ऑफ कंक्लूजन थ्री टाइप There are three types of conclusion. You see, first type one, 100% true. जो ना कि follow करी हो, 100% to true माने 100% ठीक है ला, माने कौन जो follow कर ला, तो follows. Second type, 100% false. जदि 100% ट्रू टा फॉलो कला देन 100% फॉल्स कोन हो फॉलो करिवो जी जदि 100% ट्रू फॉलो कला 100% फॉल्स कोन फॉलो करिवो नी तो डोंट फॉलो थ्री टाइप थ्री कोन लेस देन 100% ट्रू लेस देन 100% ट्रू कोन हो जदि 100% फॉलो पॉसिबिलिटी फॉलो करि पाले न करि पाले पॉसिबिलिटी मिस कर लो टाइप ऑफ कंक्लूजन कंक्लूजन केते प्रकार रो कोन करो हला तब देखो टाइप ऑफ स्टेटमेंट तो सिलेक्शन जदि ना आछ ना कंक्लूजन और स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट तब कम हो जाते टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू टाइप देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन थ्री टाइप वाला स्टेटमेंट टू टाइप्स कौन कौन फर्स्ट टाइप यूनिवर्सल सेकंड टाइप पर्टिकुलर तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू टाइप यूनिवर्सल कहले तो कौन बुझ मैं पूरा होल यूनिवर्स ना मैं पूरा होल पूरा जिन तो अगेन यूनिवर्सल यूनिवर्सल का मीनिंग कौन है ऑल मुझे लिख पारे ना पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्सल मीन कौन ब्रह्मांड है ना तो पूरा ब्रह्मांड मैंने यूनिवर्सल को ऑल मुझे लिख पारे यदि यूनिवर्सल को ऑल लिख ले देन पर्टिकुलर को कौन लिख पर्टिकुलर माने कौन निर्दिष्ट किसी यूनिवर्सल जब पूरा ऑल सब होगा तो पर्टिकुलर माने कौन किसी तो आदम सामने लिख पड़ेगी अगेन यूनिवर्सल को टू टाइप में डिवाइड करा दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव तो ऑल में पॉजिटिव फॉर्म कौन होगा ऑल में पॉजिटिव फॉर्म ऑल माने सब हो तो पॉजिटिव फॉर्म कौन ऑल ऑल और नेगेटिव फॉर्म ऑल माने सब तार नेगेटिव फॉर्म कौन तार अपोजिट फॉर्म माने जमा नुह सब कुछ अच्छे तुम पाखे किसी ना ऑल ऑल माने कौन तुम पाखे सब अच्छे तार अपोजिट तार नेगेटिव फॉर्म माने तुम पाखे किसी भी ना कौन हम नो सेंटी पर्टिकुलर को भी टू टाइप डिवाइड करा है जे पॉजिटिव नेगेटिव जो माने खाली एक्शन दिल खाली एक्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास से माने को पॉजिटिव फॉर्म रे पॉजिटिव फॉर्म कौन हो फॉर्म रे कौन फॉर्म रे पॉजिटिव फॉर्म कौन ऑल रे पॉजिटिव फॉर्म माने कौन ऑल आउ सम दीटा अपोजिट रहला ऑल माने सब सम माने कौन किछि ऑल रे पॉजिटिव फॉर्म हला ऑल सब रे पॉजिटिव फॉर्म कौन सब तंके सम रे पॉजिटिव फॉर्म फॉर्म रे पॉजिटिव फॉर्म सम तंते नेगेटिव फॉर्म ऑल रे जेंति नेगेटिव फॉर्म नो हला तंते सम रे नेगेटिव फॉर्म कोन हो
ସମୟରେ କ'ଣ କିଛି ତମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି, ତାର ନେଗେଟିଭ ଫର୍ମ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଲ୍ର ନୋ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାନେ କ'ଣ 100%, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା 100% ନା ପୁରା ଅଲ୍, ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଅଲ୍, ତମେ କିଛି ବି ନାହିଁ କହିଲେ ନୋ, ସେମିତି ତମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଅଲ୍, ତମ ପାଖରେ 50% ଅଛି, ତମ ପାଖରେ 50% ନାହିଁ, ତ ସମ୍ର ନେଗେଟିଭ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ହବ, ସମ୍ ନା
if the statement if the statement is in positive form, then the conclusion must be positive. If the statement is in positive form, then the conclusion must be positive. All A are not B. The conclusion is B.
ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଅଛି କନକ୍ଲୁଜନ ମଷ୍ଟ ବି ନେଗେଟିଭ, ପଜିଟିଭ ହେବନି। ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପଜିଟିଭ ଯେଉଁ କନକ୍ଲୁଜନ ଯିବ ତାକୁ ଭୁଲ କରିଦେବ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭରେ ରହିଲା ତ କନକ୍ଲୁଜନ ବି ପଜିଟିଭ ହିଁ ହେବ, ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଗେଟିଭରେ ରହିଲା କନକ୍ଲୁଜନ ବି ନେଗେଟିଭ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ନୋଟ୍ କଲ, ସମସ୍ତେ କଲ ନା? ନୋଟ୍ କଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ
देखो चार्टर टर्म आसला ऑल हैप्पी नो एयर बी सम एयर तो ऑल को तुम 100 धरो और सम को 50 धरो तापर परसेंटेज हिसाब रे मते ए जो स्टेटमेंट उडा को कन्वर्ट करी को ऑल ए माने ए केते केते परसेंट होला 100% ऑल ए माने एटा 100% ना तंति नो ए माने 0% किसी ने देखो यूनिवर्सल रो यूनिवर्सल रो पॉजिटिव नेगेटिव आउ नेगेटिव थिला जोड़ा के ऑल आउ नो यूनिवर्सल माने 100% ना हां 0% एथे आसीबोले सेले तुमने 0% डाउन नाइ जेंती हाफ नाइ ये भी नाइ तो पर्टिकुलर रे आसीला सम सम पर्टिकुलर माने कोन तुम 50% नेलो लेस देन 100% नेलो माने सम तो यूनिवर्सल 100% हला माने तो तार पॉजिटिव भी 100% हबो नेगेटिव भी 100% हबो बुझो ऑल तुम पाके 100% अछि ऑल माने तुम पाके 100% अछि नो माने तुम पाके 100% नाही बुझि परबो ना जेतले 100% अछि से 100% रो पॉजिटिव फॉर्म होछि ऑल 100% रो नेगेटिव फॉर्म होछि नो तो नो रो को कोन कोन को लिख परबी 100% बुझिलो बोलते तो नो ए कौन लिख पड़ेगी कि तंते सम ए सम ए लेस देन 50% धर देखो सम ए माने कौन 50% तो ए भी सम ए तो देखो इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट कोड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट कोड़ा को फर्स्ट टाइम कौन पॉजिटिव सेकंड टाइम sentence
देखो पॉजिटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट जेते भी रहो ऑब्जेक्ट 50% ही अछि नोटिस कर पॉजिटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट जेते भी रहो 100 रहो कि 50 रहो ऑब्जेक्ट 50% ही रहबो कमन अछि ना सेंटेंस देखो नेगेटिव सेंटेंस रे और सब्जेक्ट जेते रहो ऑब्जेक्ट 100% ही रहबो बुझि गेलो तो एटा नोट करो पॉजिटिव सेंटेंस रे ऑब्जेक्ट देखो इन पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी 50% ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव सेंटेंस द ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी 50% then in negative sentence object always will be 100% positive sentence re 50% rahibo negative sentence re 100% rahibo thi mundaka object ta subject mane tu kaadi dei paribo subject kete percent achi question dikhe but mone rakho object kete percent rahibo positive thile kete percent rahibo negative thile kete percent rahibo hela mone la athra ka dinu dekho Thank you.
mangoes are not apples. No, 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 left to none. Negative formula. Negative.
स्टेटमेंट पॉजिटिव रे अछि कंक्लूजन कोन फॉर मेकर्स आर नॉट दिसला नेगेटिव रे अछि तो हेलो करियो 6 नंबर नेगेटिव रे अछि 7 नंबर भी नेगेटिव रे अछि तो आंसर कौन हो ओनली सेकंड एंड फोर्थ हेलो स्टेटमेंट रे 50 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
सी मतलब सी कितने परसेंट होता है ऑल बेटा ऑल सी के तो स्टेटमेंट में सी कितने परसेंट है 50 परसेंट है 50 को 100 पर फेल होगी समझे ऑल डी माने डी 100 परसेंट सी 50 परसेंट सी तो 50 परसेंट को 50 परसेंट रहेगा किंतु डी से डी कितने स्टेटमेंट रहे कंक्लूजन में कितने अच्छे 50 को 100 पर फेल हो ভিডিও দেখো যেটা গোটে ধরে দেখো পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবো নেক্সট ক্লাসে অথবা